आप हेयर ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं और इस बात से चिंतित हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में पेन होगा, तो आज हम बात करेंगे क्या हेयर ट्रांसप्लांट एक पेनफुल प्रोसीजर है या इसको कितना पेनलेस किया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर बीके गर्ग है, मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। मैं एकॉनिक क्लिनिक गुरुग्राम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने पिछले 10 साल में 5,000 से अधिक हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं। आज हम बात करेंगे क्या हेयर ट्रांसप्लांट को पेनलेस किया जा सकता है या इसमें कितना पेन होता है। एफयू हेयर ट्रांसप्लांट में किसी कोई इंसिजन नहीं दिया जाता या कोई स्टिच नहीं आता है, लेकिन प्रोसीजर करने के लिए लोकल एनेस्थीजिया का इस्तेमाल किया जाता है। लोकल एनेस्थीजिया देने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। आइकॉनिक क्लिनिक में हम स्पेशल वाइब्रेटरी एनेस्थीजिया टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बिना हमारे एक्सपीरियंस से ये पॉसिबल है कि हम इस प्रोसेस को, इस इंजेक्शन देने के प्रोसेस को बेहद कंफर्टेबल बना सकते हैं। हमने अपने सालों के एक्सपीरियंस से ऐसी टेक्निक को समझ लिया है या ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंजेक्शन देने का प्रोसेस बेहद कंफर्टेबल हो गया है। इस इंजेक्शन देने के प्रोसेस के बाद आपका डोनर एरिया सुन हो जाता है और निकालने में कुछ भी पेन नहीं होता। इसके अलावा हमारे प्रोसीजर रूम बेहद कंफर्टेबल हैं, जिसके कारण आपको एंजाइटी या और डिसकंफर्ट नहीं महसूस होता। एनेस्थीजिया देने के बाद इस प्रोसीजर में ना तो बाल निकालने में पेन होता है ना बाल लगाने में पेन। अब हम बात करते हैं सर्जरी के बाद की पेन की। सर्जरी के बाद डोनर एरिया में पहले 5 से 7 दिन तक हल्का पेन या डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके लिए हम आपको सही मात्रा में और सही पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपको पेन रिलीफ रहता है। रिसिपिएंट एरिया या जिस एरिया में बाल लगाए जाते हैं उसमें पहले या दूसरे दिन के बाद जनरली पेन नहीं होता है। थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है जो 2 दिन के बाद आती है और 4 से 5 दिन में डिसअपीयर हो जाती है। सो पहले 8 से 10 दिन के बाद मोस्टली पेशेंट्स को किसी टाइप का पेन नहीं होता है। इसलिए अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर कर रहे हैं और पेन को लेकर चिंतित हैं तो इस चिंता को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपके मन में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कोई भी सवाल है तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमें आपके जवाब देने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू। Thank you.